never felt betrayed. Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों, आज के वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये है महबूब स्टूडियो जो कि बांद्रा वेस्ट में है। और यहीं पर सभी जितने कलाकार हैं, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, संजय दत्त हो, और दोस्तों यहां पर जॉन इब्राहिम, जितने भी बड़े बड़े कलाकार, जेके श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, ज़्यादातर इसी स्टूडियो के अंदर शूटिंग किया करते हैं, क्योंकि ये पूरा बांद्रा वेस्ट में ये महबूब स्टूडियो बसा हुआ है और सभी लोग बांद्रा में ही रहते हैं। सलमान खान तो यहाँ पर साइकिल से चलकर आ जाते हैं, साइकिल चला कर आ जाते हैं, कभी पैदल चलकर भी आ जाते हैं, क्योंकि उनके घर से ये स्टूडियो मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मुंबई बांद्रा में किन किन जगहों को आप देख सकते हैं, ये सारी बातों की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। और इस वीडियो में आज आप देखेंगे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहां पर कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह 12 तारीख को, 12 मई को शाम को 4 बजे कहां पर उनकी प्रार्थना सभा है, और उस सभा में आप लोग भी शामिल होइए और आपको बहुत ही आशीष मिलेगा ईश्वर की ओर से। वीडियो के एंड में आप वो देखेंगे वो जगह कहां पर है। तो चलिए पहले पूरा बांद्रा आपको घुमाते हैं। ये बांद्रा की ये सीढ़ियां बहुत सारी फिल्मों में दिखाई गई है, और ये राइट साइड में जो बिल्डिंग है इसमें, चलिए पहले हम आपको माउंट मैरी चर्च दिखाते हैं, यहाँ के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप मुंबई में आते हैं तो आपकी सभी मुरादें पूरी होती है, खासकर जब भी आप क्रिसमस के समय में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, और यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की समय समय पर शूटिंग होती रहती है। आपने फिल्म देखी होगी अमर अकबर एंथोनी, चाचा भतीजा, और बहुत सारी फिल्मों में, सलमान खान की फिल्मों में इस चर्च को दिखाया जाता है। दोस्तों, ये माउंट मैरी चर्च, अगर आप बांद्रा में आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए, अंदर बैठिए 5-10 मिनट, आपको असीम शांति का अनुभव होगा और बहुत ही आनंद आ जाएगा, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, दोस्तों सभी ईश्वर के स्थान हैं। वहाँ पर बड़ी ही शांति मिलती है, जब भी समय मिले आपको अवश्य जाते रहना चाहिए। तो चलिए, ये हमने आपको माउंट मैरी चर्च दिखाया, बांद्रा में ही आपको दिखाते हैं बांद्रा वर्ली सीलिंग, इसको पहले दूर से कैसा दिखता है, बांद्रा की आन बान और शान कही जाने वाली ये जगह दोस्तों। और ये करीब से अब हम आपको लेकर आए हैं, ये आप चर्च से जैसे ही नीचे उतरेंगे और बैंड स्टैंड किसी से भी पूछेंगे दोस्तों, बैंड स्टैंड बांद्रा फोर्ट, ये जगह बांद्रा फोर्ट के नाम से ये जगह जानी जाती है, और बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। ये आप ये देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, बांद्रा वर्ली सीलिंग को आप यहाँ पर आकर, करीब से आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देख सकते हैं समुद्र के ऊपर ये ब्रिज कितनी खूबसूरती के साथ में बनाया गया है दोस्तों। और ये पूरा बांद्रा फोर्ट, सूर्य की किरणें समुद्र में सोना बिखेरते हुए, और ये पूरा बांद्रा फोर्ट का खूबसूरत और मनोहर दृश्य बहुत ही आनंदमय लगता है। और तो चलिए अब आपको कुछ कलाकारों के घर दिखाते हैं बांद्रा में, उसकी जगह, उसकी वजह से भी बांद्रा बहुत फेमस है, और ये बिल्कुल बांद्रा फोर्ट के पास में ही स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये
अब हम आपको लेकर आए हैं खानों के खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के घर, आपको दिखाते हैं दोस्तों। और ये पूरा बैंड स्टैंड के नाम से इस जगह को जाना जाता है, और ये यहाँ की खूबसूरती को आप ये देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको शाहरुख खान का बंगला दिखाएंगे, सलमान खान और जितने भी खान हैं मुंबई में यहाँ पर रहते हैं उनके घर आपको दिखाएंगे दोस्तों। और ये पूरा यहाँ का बैंड स्टैंड का खूबसूरत व्यू आप ये देख सकते हैं। जब भी आप मुंबई में आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आएँ। हालांकि हर एक इंसान आता है जिसको भी शाहरुख खान और सलमान खान का घर देखना रहता है। ये शाहरुख खान का घर साइड से साइड व्यू मन्नत को हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। और ये आप ये देख सकते हैं आगे, ये पीछे बिल्डिंग जो है शाहरुख खान ने बना ली है। और ये आगे जो बंगला है ये हिस्टोरिकल बंगला है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है, ये लीज पर है 100 साल के लिए। ये मन्नत, काफ़ी मन्नतों के बाद में शाहरुख खान को ये मन्नत मिला। और ये पूरा बैंड स्टैंड का खूबसूरत और मनोहर दृश्य आप लोग ये देख सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे खान के यहाँ पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें सभी लोग प्यार करते हैं वो है सलमान खान हैं। यहाँ से और यहीं पर ये राइट साइड में जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं आने वाली 3-4 माले की कटिंग टाइप में, यहीं पर ये रेखा जी की बिल्डिंग है। और इसके पश्चात हम आपको लेकर जा रहे हैं सलमान खान के घर, गैलेक्सी अपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, अभी ईद रही थी और ईद पर यहीं से उन्होंने सभी लोगों को यहाँ पर ईद की बधाइयाँ देते हैं, अपने जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। तो चलिए आपको ये पूरा बैंड स्टैंड आप घूमते हुए दोस्तों, पूरा बैंड्रा की खूबसूरती, बैंड्रा में कौन कौन सी अच्छी अच्छी जगहें हैं आज हम आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी दिखा रहे हैं। ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं ये गैलेक्सी अपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर सलमान खान रहते हैं, 2 फ्लोर उन्होंने पूरे यहाँ पर लिए हुए, उनके मम्मी पापा यहीं पर रहते हैं और यहीं से दोस्तों वो ईद की बधाई देते हैं। ये फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं और ये चटाई यहाँ पर लगी हुई है, हमेशा जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके हुआ और ईद के दौरान यहीं पर यहीं से सभी से मिलते हैं अपने फैंस से। और समय समय पर यहाँ पर जब भी उनका मूड होता है, कभी साइकिल से भी यहाँ पर पूरी इस रोड पर घूमते रहते हैं। तो हमने आपको बताया महबूब स्टूडियो बिल्कुल करीब है, तो ये आपको हम अब बताते हैं आपको यहाँ से सलमान खान के घर से मात्र ये चौराहा आएगा, जैसे बैंड्रा स्टेशन की साइड जाएंगे और यहाँ से हमें राइट लेना है। बस राइट लेने के पश्चात दोस्तों ये महबूब स्टूडियो मोस्टली सिर्फ 0.5 से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आप पैदल चलकर भी जा सकते हैं। इसलिए सलमान खान कभी वॉकिंग करते भी आ जाते हैं, कभी साइकिल पर भी यहाँ पर आकर शूटिंग किया करते हैं। और ये लेफ्ट में ही ऋतिक रोशन का घर यहाँ पर भी है, जूहू में भी उनका घर है, अक्षय कुमार के घर के पास में ही। और ये महबूब स्टूडियो और जूहू के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं फिल्म स्टार के घर, तो वीडियो ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में हमने डाल रखे हैं, आप चेकआउट कीजिए, बहुत सारे मुंबई की सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी। आज का वीडियो ये है कि बैंड्रा में घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें हैं दोस्तों, ये हम आपको लेकर आ चुके हैं। ये राइट साइड में जो देख रहे हैं आप बिल्डिंग, ये लीलावती हॉस्पिटल है दोस्तों। यहीं पर बड़े बड़े कलाकारों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है, लीलावती हॉस्पिटल। इसके ट्रस्टी हैं श्री अमिताभ बच्चन साहब, वो भी ट्रस्टी हैं और इसीलिए अमित जी ज़्यादातर यहीं पर आकर एडमिट होते हैं जब भी उनको कुछ बीमारी लगती है। हालांकि स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें, सभी लोग अच्छे से रहें, यही कामना करते हैं ऊपर वाले से। और अब हम आपको लेकर जाएंगे दोस्तों, चलिए यहाँ की और भी खूबसूरती हम आपको दिखा देते हैं। ये बैंड्रा वर्ली सी लिंक रोड है और ये यहीं पर खूबसूरती से ये लिखा हुआ है लव मुंबई, बहुत ही खूबसूरत। और यहीं दूर से बैंड्रा वर्ली सी लिंक नज़र आता है
और यहाँ पर ये पूरे बैंड्रा की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ये ब्रिज के बाद में जो है हम आपको लेकर जाने वाले हैं बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर प्रॉफिट बिजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री दोस्तों 12 तारीख को शाम को 4 बजे बहुत ही बड़ी प्रार्थना सभा वहाँ पर होने वाली है। तो चलिए आपको आगे लिए चलते हैं ये पूरा बैंड्रा को हम घुमाते हुए, और इसके पश्चात आपको बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स लेकर जाएंगे दोस्तों। ये पूरा बैंड्रा रिक्लिनेशन रोड है और ये रोड के माध्यम ये पूरा लेफ्ट में यहाँ बैंड्रा स्टेशन आ जाता है दोस्तों, और राइट साइड में आप चले जाते हैं तो पूरा माहिम आ जाता है, माहिम दरगाह है देखने के लिए, उसका वीडियो हम आपके लिए अलग से लेकर आएंगे। और ये पूरा बैंड्रा वेस्ट से हम आपको बैंड्रा ईस्ट में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बैंड्रा ईस्ट में ही बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है और बैंड्रा टर्मिनल से दोस्तों वो जगह, चलिए पहले वहाँ पर पहुँचते हैं फिर उसके पश्चात आपको पूरी जानकारी हम आपको देते हैं दोस्तों। और ये हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं ये बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर कि प्रॉफिट बिजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री दोस्तों 12 मई शाम को 4 बजे से यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। आप अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आकर आप आइए और ईश्वर का आशीष मिले आप सभी को। और आप वाकई आपको बहुत ही, अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपकी बीमारियां समाप्त हो जाएगी। और ये पूरा बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का हम आपको ये दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये जियो गार्डन, जहाँ पर कि यूट्यूब का फैन फेस्ट होता है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं। ये पूरा ये जियो गार्डन को आप ये देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर बड़े बड़े बैंक्स के ये पूरा जियो गार्डन को हम दिखाते हुए, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरे बड़े बड़े बैंक के ऑफिसेज हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, तो अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, और ज़रूर आइए आपको जैसे ही समय मिलता है तो दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक हैं, आप देखेंगे तो आपको मुंबई घर बैठे पूरे फिल्म एक्टरों के घर और पूरा फिल्म सिटी टूर कर सकते हैं। 5 नंबर के वीडियो पर क्लिक कीजिए और घर बैठे देखिए पूरा मुंबई शहर।